अब चलिए बड़ी जानकारी है सवालों में। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस सबसे ज्यादा दर्ज मुकदमों के अनुसंधान में गड़बड़ भी पाई गई है। 10 महीने में हुए 613 केस रियोपल। कोर्ट ने कहा पुलिस के उच्च अधिकारियों के आदेश पर फिर से केस रियोपल हुए हैं, तो केस को फिर से यहां पर रियोपल किया गया। प्रदेश के थानों में 1774 दर्ज केस की स्क्रूटनी के दौरान खामियां मिली हैं। न्याय दिलवाने का दावा करने वाली पुलिस पक्षपात कर रही है। पुलिस के अफसर ही दर्ज मुकदमों की जांच में भेदभाव कर रहे हैं। जांच में अनुसंधान अधिकारी निर्दोष को आरोपी साबित करने में लगे हुए हैं, तो आरोपी पक्ष को निर्दोष साबित करने में पुलिस अधिकारी लगे हैं। अनुसंधान में मिली गड़बड़ियां तो हत्या समेत अन्य मामले रिओपन किए गए। प्रदेश में सबसे ज्यादा अनियमितताएं जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की हैं। बांसवाड़ा रेंज में सबसे कम 6 मुकदमे रिओपन हुए हैं। जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने दर्ज किए सबसे ज्यादा केस, 212 केस रिओपन। पूर्व जिले के 210, दक्षिण जिले के 111 केस रिओपन किए गए हैं। उत्तर जिले के 80 मुकदमे रिओपन किए गए हैं। वहीं सलुम्बर में एक भी मुकदमा रिओपन नहीं हुआ है। दूदू, शाहपुरा, भिवाड़ी, बूंदी, कोटा, ग्रामीण, राजसमंद में 10 केस रिओपन किए गए हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सांचौर में 10 से कम केस रिओपन हुए। संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, खामियां पाई गई हैं और जिस तरीके से कोर्ट ने भी कहा कि जो केस पूरे नहीं हो पाते या जिनमें कमियां मिलती हैं, जिनमें जांच होती है, उन केस को फिर से रिओपन किया जा रहा है, क्या कुछ कहा कोर्ट की तरफ से? जी देखिए, मैं राजस्थान पुलिस का दावा कि जो हर परिवादी है उनकी फरियाद सुनकर उनको न्याय दिलाने के दावे करते हैं जो पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे जितने भी अफसर हैं, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें पुलिस के जो अनुसंधान अधिकारी हैं, जो या तो उच्च अधिकारी होते हैं या खुद के स्तर पर पक्षपात कर रहे हैं। मुकदमों की जांच में ये पाया गया कि निर्दोष को आरोपी और आरोपी पक्ष को निर्दोष साबित करने में लगे हैं। अगर पुलिस के आंकड़ों की माने तो अक्टूबर 2023 तक इस साल 1774 मुकदमे रिओपन हुए हैं। यह मुकदमे या तो कोर्ट के आदेश हुए हैं या फिर पुलिस हेडक्वार्टर के आदेश हुए हैं। इन मुकदमों की जांच की जा रही है वापस, और इनमें संगीन मामले भी हैं, उन पर जांच के लिए वापस आदेश हुए हैं। और अब ये कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आती है, लेकिन पुलिस उन जो जांच करते हैं अधिकारी उन पर कार्यवाही नहीं करती। इस मामले इन मामलों में अब एक SIT भी गठित की है जी। जो DGP ने आदेश दिए हैं दिनेश एमएल और जो वीके सिंह है ADG, एक तो पेपर लीक वाले मामले में और एक एंटी गैंगस्टर वाले मामले में। अब देखना ये होगा कि कितनी उचित कार्यवाही होती है, लेकिन जो ये फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और फिर उन मुकदमों में रिओपन की कार्यवाही होती है, वो एक पुलिस की कार्यशैल पर सवाल करने वाली बात है जी। चलिए, शुक्रिया आपका ओम प्रकाश अधिक जानकारी देने के लिए।